सो हम लोग सीख रहे थे द डिस्पेंसेशंस. डिस्पेंसेशन का मतलब युग. हमने लिया हुआ वो जो विषय था पर ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाना, सांझी, यानी हमने परमेश्वर के स्वभाव में बदलना है. हमें परमेश्वर ने बनाया इसलिए है, खाने पीने के लिए नहीं, मेरे इस जीवन के द्वारा थोड़ा थोड़ा कर मैं किसकी तरह हो जाऊं, परमेश्वर की तरह. सोच मेरा परमेश्वर की तरह. पांच खूबी तो मुझे मिलेंगी नहीं. कौन सी आपने परमेश्वर बनना है तो कितनी खूबी होनी है, पांच, कौन कौन से? यू हैव टू बी इटर्नल, अनंतकालीन होना. लेकिन हम हमारा एक आरंभ है. नंबर दो, बदलना नहीं, हम बदलते हैं. नंबर तीन, सर्वज्ञानी. नंबर चार, सर्वव्यापी. नंबर पांच, सर्वशक्ति. ये पांच किस्में ही हैं परमेश्वर. लेकिन बाकी परमेश्वर के गुण जैसे प्रेम है, दयालु है, धर्मी है, पवित्र है, ये सब खूबी किसमें आना, गुण किसमें आना है, हम में होना. लेकिन ये होने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में समय दिया. हमें इस पृथ्वी में बनाकर भेजा किसके लिए है, थोड़ा थोड़ा करते करते परमेश्वर की आदत को देखते देखते मेरा आदत क्या हो जाए, बदलता जाए. मैं खुद अपनी आदत को बदल नहीं सकता हूं. समझ में आ रहा है आपको? हम कोई भी, आप अपने गुस्से को निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा. लेकिन जैसे जैसे आप परमेश्वर की आदत को समझते जा रहे हो और अपने आप को उसके लिए समर्पित करते जा रहे हो, आपका आदत क्या हो रहा है, बदलता है. उदाहरण समझाने के लिए, मेरे को पेशेंस नहीं तो मैं जाकर ट्रैफिक लाइट में खड़ा हूं, मेरे आगे 10 कार है, पेशेंस है नहीं. लेकिन सामने वाली कार अटकी हुई है, बाकी लाइन के सब निकल गए, मेरे को गुस्सा चढ़ेगा, आई विल बी मैड. चाहिए हॉर्न भी बजाऊंगा, घुर घुर कर उसको देखूंगा भी. लेकिन बिल्कुल उल्टा मैं क्या भी कर सकता हूं, होगा उसको कोई दिक्कत हो गई, हो गई, सो व्हाट, मेरे को रश करने की जरूरत, बस मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम. मैं उस बात को सह सकता हूं आराम से, मेरे लिए ट्रैफिक लाइट लाल हो जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं. लेकिन दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट. बात उधर है. सो परमेश्वर हमारी आदत बदलने के लिए क्या करता है, परिस्थिति को बदलता है. गॉड इज चेंजिंग द सर्कमस्टांसेस. व्हाई? सो दैट माई नेचर changes. All that I have to do is accept. But if I don't accept, then God also can do nothing. मैं अगर उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं तो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा. So इधर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर थोड़ा थोड़ा कर कैसे अपने आप को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा, क्योंकि इंसान को एकदम सब बातें क्या नहीं होंगी, समझ में नहीं आएंगी. सो इधर हमने देखा डिस्पेंसेशन इज द पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री दैट शोज गॉड्स पर्पस एंड वर्क. मनुष्य के इतिहास में युग क्या दिखा रहे हैं, परमेश्वर का लक्ष्य. कोई भी काम परमेश्वर करता है तो लक्ष्य से कर रहा, इट्स विथ ए प्लान. आपके जीवन में भी बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, इट इज विथ ए पर्पस. एक मतलब से किया, उस बात को मैंने स्वीकारना. ये कुछ भी बाय चांस नहीं, सृष्टि भी बाय चांस नहीं. अब मैं उदाहरण, मैं निर्मल जी के साथ बैठकर गाड़ी में बात कर रहा था. एक टाइम था नौकरी नहीं थी, और वो एक टाइम था जब हम गाड़ी में बैठ के वैंकूवर और सरी पूरा घूम चुके हैं, किधर किधर नहीं गए. परमेश्वर ने एक समय रखा था, अब एक समय आया कि अब आगे पीछे कहीं जाने का जरूरत नहीं. अब क्लब हाउस में क्लास चलने लगे, निर्मल जी को क्या भी मिल गई, नौकरी भी मिल गई. समझ में आ रहा?
यानी हर काम के लिए परमेश्वर को एक योजना है। परमेश्वर का वचन वो ही सिखाता, कुछ भी परमेश्वर हड़बड़ कर नहीं करता, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की नजरों में बहुत कीमती है। आई एम वेरी प्रेशियस। आप सृष्टि को देखें, बाकी सब चीजें देखने के बाद मैं परमेश्वर की नजर में क्या हूं, कितना कीमती हूं। और वचन में हमने पढ़ा, अपने स्वरूप और समानता में बना है, लिखा ना, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में। और फिर अगला नए नियम में हमने पढ़ा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहता हूं। लुक एट गॉड, परमेश्वर हमें क्या समझता, मित्र। लेकिन उसको मित्र की नजरों से देखना और दास की नजर से देखने में फर्क है। समझ में आ रहा है? मैं परमेश्वर को कैसे देख रहा हूं, जैसे अभी किरण सिस्टर काम करने के लिए जा रही है, क्या सोचकर जा रही है, मेरा जगह थोड़ी है। लेकिन उस जगह को अपना जगह समझकर जाएंगे तो काम में फर्क होगा, तब आपका लक्ष्य पैसा ही नहीं। आज बहुत से लोग परमेश्वर के पीछे आशीष के लिए क्यों पड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर को वो है ना दास की नजर से देख रहे हैं। बेटे की नजर से देखेंगे तो कभी भी क्या नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए। समझ में आ रहा? मैं जब परमेश्वर का संतान हूं तो मुझे आशीष से क्या लेना देना, वो ना मेरा बाप है। अभी मेरा बेटा थोड़ी बैठकर सोच रहा मेरा बाप मर जाएगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, डज ही थिंक, क्यों, उसका सोच क्या है, मेरे बाप का जो कुछ है वो सब किसका, मेरा। लेकिन उसी समय में मैंने अगर अपने घर में एक नौकर रखा हो, उसका सोच बिल्कुल अलग है। सो इसी तरह परमेश्वर युग में, हर युग में थोड़ा थोड़ा कर हमें क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, और हर बात को उद्देश्य से कर रहा है। देर आर थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रिगार्ड टू डिस्पेंसेशन, युगों के विषय में तीन मुख्य बातें हैं। सबसे पहला, परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। इंसान ने खुद परमेश्वर को नहीं जाना, किसने प्रकट किया, परमेश्वर ने प्रकट किया है। और अब जब प्रकट किया है ना, परमेश्वर क्या चाहता है, जितना प्रकट किया ना उसके हिसाब से आपने क्या करना है, चलना है। आप दूसरों की तरह चल नहीं सकते, समझ में आया? उसके लिए आप निकाल लीजिए ऐशया 43, आइज़या 43 उसका 10वां वचन, ऐशया 43 उसका 10। समझो कि मैं ओही हां, मैथों अगे कोई परमेश्वर नहीं साजिया गया, ना मेरे पिछो कोई होवेगा। तुसी मेरे क्या हो, गवाह, इंग्लिश में है ये आर माई विटनेसेस, लिखा है आपके बाइबल में भी ऐसी है ना, यू आर माई विटनेसेस, व्हाट डज दैट मीन। हम लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर को क्या किया है, परमेश्वर के कामों को हमने देखा है, इज इट ट्रू। छोटी बड़ी बातों में भी हमने सीधा परमेश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन क्या देखा है, परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखा। एग्जाम्पल, जो बातें कभी सोचा भी नहीं था परमेश्वर ने अजीब तरीके से मेरे जीवन में किया। दुनिया इस बात को भाग्य मानती है, हम उसको भाग्य नहीं मान रहे, हम क्या मान रहे हैं, ये मेरे किस्मत में नहीं लिखा था, ये मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए किया। और हमारा सिर शर्म से झुका क्यों रहता है, मेरे अंदर इतनी कमी कमजोरी होने के बावजूद भी, लुक एट द वे, परमेश्वर को जरा देखे मेरी कितनी चिंता करता, मुझे खुद अपनी इतनी चिंता नहीं है जितनी
परमेश्वर को मेरी चिंता है, इसलिए परमेश्वर बोलते तुम मेरे क्या हो, गवाह हो, यू आर विटनेसेस। और परमेश्वर लोगों के साथ अलग अलग तरीके से क्या करता था, प्रकट करता था, सबके साथ एक जैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मूसा के सामने कैसे आया, जलती हुई झाड़ी, मूसा से बात झाड़ी के द्वारा, झाड़ी में आग लगी है, परमेश्वर बात कर रहा, एक उसमें बहुत सी बातें, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो बाद में आप खुद ही मनन करिए। नंबर दो, एलिया से कैसे बात किया, आग में नहीं, झाड़ी में नहीं, एक धीमी आवाज, गॉड इज टॉकिंग टू एलाइजा इन ए स्टिल वॉइस। लेकिन वही परमेश्वर मूसा से कैसे बात कर रहा है, झाड़ी में आग लगी। तीन, यशाया को देखो, यशाया से परमेश्वर ना तो झाड़ी ना तो आवाज, यशाया को परमेश्वर ने स्वर्ग का दृश्य दिखाया, सेराफीम दो पंखों से मुंह ढांपते हैं, पैर ढांपते हैं, स्वर्ग का वो दृश्य यशाया ने देख लिया, वो बोलता है मैं तो अशुद्ध हूं। समझ में आया, तीन लोगों से तीन तरीके से बात कर रहा। आगे आप देख लो, होशिया के साथ कैसे बात किया, परिवार में एक समस्या के द्वारा। आखिरी में हमसे कैसे बात कर रहा, पुत्र के द्वारा। उधर झाड़ी, धीमी आवाज, स्वर्ग का दृश्य, और अब हमारे से कैसे बात कर रहा, पुत्र बनकर बात कर रहा। इसलिए हमारे साथ उतना सीरियस रहेगा, यू अंडरस्टैंड दैट। सो लेकिन हर किसी से परमेश्वर क्या कर रहा है, बात कर। परमेश्वर जब बात करता है ना, आप उस बात को हल्का ले नहीं सकते हैं। हमारे साथ समस्या ये, हम इंसान की बात जैसे परमेश्वर की बात को लेते हैं, इंसान की बातों को हम हल्का ले लेते हैं, इसी तरह किसकी बात भी हल्का लेते हैं, परमेश्वर की बात भी हल्का लेते हैं, जिसके कारण हम बहुत परेशान होते हैं। अगर आप ये परमेश्वर के वचन को हल्का लेंगे, आप बहुत परेशान होंगे। मैंने इस किताब को उतना गंभीरता से लेना, समझ में आया, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए। सो पढ़िए पहला योहन्ना 1:1-2। पहला योहन्ना 1:1-2। फर्स्ट जॉन 1:1-2। जो आग तो सी, जिनू असा सुनिया है, जिनू असा अपनी अखी देखा है, जिनू असा तकिया अते अपनी हथी टोहिया, उस जीवन दे वचन दे विखे ओह जीवन प्रगट होया, अते असा देखा है अते साखी दिंदे हां, अते उस जीवन दा सगो उस सदीक जीवन दा समाचार तुहानू सुनाउंदे हां, जेड़ा पिता दे संग सी अते साडे उत्ते प्रगट होया। दैट विच वॉज फ्रॉम द बिगिनिंग, विच वी हैव हर्ड, विच वी हैव सीन विथ आर आईज, विच वी हैव लुक्ड अपॉन एंड आर हैंड्स हैव हैंडल्ड, of the words word of life, for the life was manifested and we have seen it and bear witness and show unto you that eternal life which was with the father and was manifested unto us. Punjabi mein dobara padhe, jo aag to si jinu asa sunya hai, jinu asa apni akhi vekhya hai, jinu asa takya ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਟੋਹਿਆ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸਕੇ ਬਾਰੇ? ਇਧਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਂ ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ, उसमें नहीं आया, उसमें क्या दिख रहा है,
दिख रहा है जॉन 1:1 ही दिख रहा है. चलिए मैं इधर पढ़ रहा हूँ. आगे वी आर राइटिंग अबाउट द वर्ड ऑफ लाइफ इन हिम हु एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग हुम वी हैव हर्ड whom we have seen with our own eyes, whom we have gazed upon for ourselves and have touched with our own hands, and the life, an aspect of his being was revealed, made manifest, demonstrated, and we saw as eyewitnesses and are testifying to and declare to you the life, the eternal life in him who already existed with the Father and who actually was made visible, was revealed to us, his followers. Iska matlab aap dhyan se dekhe, sarvashaktiman, apne aap ko kaise prakat kiya? Look at the way he reveals himself. मनुष्य बनकर हमारे सामने क्या है? खड़ा ना है, इधर पड़ा है. We are writing about the word of life. In him who existed from the, यानी जिसको आप यीशु बोलते हैं ना, ये कौन है? आदि में जो वचन था. In the beginning was the word. ये वही है. Next, whom we have heard, हमने इसके बारे सुना है. किधर सुना? पुराने नियम में. Whom we have seen with our own eyes, यानी जिसके बारे में पुराने नियम में सुना था ना, यहुन्ना बोलता है हमने उसको क्या किया? अपनी आंखों से देखा. आगे, whom we have gazed upon for ourselves and have touched with our own hands, इसको छू कर भी देखा. So, आप जब यीशु को देख रहे हैं, ये परमेश्वर का, परमेश्वर से हमारे लिए एक संदेश लेकर नहीं आया, ये परमेश्वर का संदेश है. He is the message. So, हमारा विषय परमेश्वर अलग अलग युग में थोड़ा थोड़ा करके क्या करता रहा? Reveal God through different dispensations. He revealed little by little. थोड़ा थोड़ा करकर. So man is responsible, accountable. मनुष्य को जितना प्रकट कर दिया उतना उससे क्या लेगा? अगर आपके पास बाइबल नहीं होती तो बात अलग थी. आपके पास क्या आ गई? पूरा 66 किताब आ गया. इसलिए हमसे हिसाब कैसे करेगा? इस वचन के अनुसार करेगा. तो हम लोग वापस उसमें आ रहे हैं. नंबर टू, मैन स्टीवर्डशिप ऑफ दिस डिवाइन रेवलेशन इन विच ही इज रिस्पॉन्सिबल टू ओबे इट. यानी परमेश्वर ने अपने आप को जैसे प्रकट किया है, यू हैव टू ओबे. यस, ही हैज गिवन यू, आपको आजाद मर्जी दिया है, लेकिन आपको क्या करना है? मानना ही है. नंबर तीन, और हमारे लिए क्या दिया? थोड़ा समय भी दिया, जिसमें मैंने उसके इच्छा के अनुसार क्या करना है? चलना भी है. सो कल हम लोग देखे थे अगला, कितने युग हैं? सात. सबसे पहला युग कौन सा हम लोग जो पढ़ रहे हैं? द एज ऑफ द डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस, वो हम लोग देखे. इसमें हम लोग जा रहे हैं एज ऑफ इनोसेंस. इसका आरंभ कब से है? मनुष्य के बनाने से लेकर मनुष्य के गिरने तक, उतना तक ही है. द एज ऑफ इनोसेंस यानी अज्ञानता. अज्ञानता का मतलब इसको परमेश्वर के बारे ज्यादा मालूम नहीं. यू अंडरस्टैंड? आदम परमेश्वर के साथ चलता है तो भी ये परमेश्वर को करीबी से जानता नहीं है. ये अंडरस्टैंड, आपने वो समझना. इस युग में मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध, इन द एज ऑफ इन द डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस, मैन्स रिलेशनशिप विद गॉड, ही डजंट नो गॉड दैट क्लोजली. समझ में आया? एग्जाम्पल,
मैंने रूपलाल जी को एक रॉयल्स रॉयसी खरीद के दिया. आई बॉट ए रॉयल्स रॉयसी फॉर रूप. विल ही लव मी? प्यार करेगा ना? बेशक अपने आप को प्यार करता है तो भी बाहरी तौर पर मुझे क्या करेगा? ही लव मी. आई गॉट हिम ए कार, ही लव्स मी. बट द फैक्ट इज ही डजंट लव मी, ही लव्स हिमसेल्फ. वो अपने आप को प्यार करता है. मैंने कार दिया इसलिए मुझे प्यार कर रहा है. मैं अगर इसको कुछ नहीं दूंगा तो ये मुझे क्या नहीं करेगा? प्यार नहीं करेगा. सो इन द एज ऑफ इनोसेंस ही डजंट नो मच अबाउट गॉड. बट परमेश्वर ने इसको सब कुछ दिया. और इस अज्ञानता के युग में परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर इसके साथ चलता था. गॉड लिटरली वॉक्ड विथ हिम. क्यों परमेश्वर इसके साथ क्यों चल रहा है? ये परमेश्वर को ज्यादा जानता नहीं है. ज्ञान समझ सब कुछ है, लेकिन अभी तक इसने परमेश्वर के आदत को क्या नहीं किया? जाना नहीं है. समझ में आ रहा? हम लोग कई बार उस बात को क्या नहीं किए, समझे नहीं. ज्ञानी है, ही इज वाइज, बट ही डजंट नो द कैरेक्टर ऑफ गॉड. ही नोज हाउ ग्रेट गॉड इज, बट ही डज नॉट नो हु गॉड इज. इसको मालूम है परमेश्वर कितना महान है, लेकिन वो है कौन करकर इसको अच्छी तरह समझ में नहीं है. इसलिए और इसमें आप देखिए ना, परमेश्वर ने सब कुछ फेवरेबल बिगनिंग, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है. इसको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं. डजंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. लेकिन देयर इज अ टेस्ट. अज्ञानता का युग में टेस्ट क्या है? भले बुरे का, ज्ञान का वृक्ष प्लस जीवन का वृक्ष भी है. देयर इज अ ट्री ऑफ लाइफ एंड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड दैट्स द टेस्ट. सो दो आई क्रिएटेड यू, मैंने तुझे बनाया है तो भी देर इज अ टेस्ट. वाई? परमेश्वर को हमारा टेस्ट लेने का जरूरत है? सर्वज्ञानी है ना, लेता क्यों है? परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं, हमें अपने स्वभाव को प्रकट करने का एक अवसर है. टेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू रिवील हु आई एम. God doesn't want to know anything. He knows. परमेश्वर को सब कुछ पहले से ही मालूम है. उसको और कोई नई बात जानने की जरूरत नहीं है. तो अगला आ जाता है, purpose क्या है? What's the purpose of this age, age of innocence? In the state of innocence, अज्ञानता की हालत में क्या तू मेरी बात को मानेगा? अच्छी तरह समझ में आ रहा? चालाक होने के बाद नहीं, जब तेरे को कुछ नहीं मालूम. When you are innocent, will you obey me? समझ में आया? How deep it is. In your innocence, you have to prove that you will trust him. लेकिन इंसान क्या किया? But what did man do? In the state of innocence, he fell. अज्ञानता की दशा में क्या बोला? मैं खुद चलूंगा. You understand the depth of it? यानी परमेश्वर कितनी बारीकी से अज्ञान एक निर्दोष आदमी को जांच रहा है. तो अगर नहीं गिरे आदम को इतना जांचा तो मुझे और आपको. इफ ही टेस्टेड मैन इन द एज ऑफ इनोसेंस, विल ही टेस्ट अस इन द एज ऑफ ग्रेस? छूट है? इज देर एनी एक्सक्यूज? इन द एज ऑफ इनोसेंस देर इज अ टेस्ट. विल यू ट्रस्ट मी in the state of innocence? So आपको परमेश्वर का आदत समझ में आ रहा है? नहीं. जब तेरे को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, मुझ पर भरोसा करेगा? वो है
टेस्ट. लेकिन आदम क्या बोला? नहीं, बेशक तूने मुझे सब कुछ दिया है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट यू हैव गिवन मी, आई विल नॉट ट्रस्ट यू, आई विल वॉक ऑन माई, मैं खुद चलूंगा. सी दैट्स व्हाई दैट फॉल इज दैट सीरियस. एक आदमी के द्वारा इंसान के अंदर क्या घुस गया? पाप. And that sin has been ruling through man. It entered through how many? One. Because he fell not in the age of law, he has fallen in the age of innocence. व्यवस्था के युग में ये नहीं गिरा, ये कब गिरा है? अज्ञानता के में. He fell when he was walking with God. परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति क्या किया है? गिरा है. समझ में आया? और फिर आगे हम लोग देखते हैं परमेश्वर का न्याय भी है. देयर इज द जजमेंट ऑल्सो, देयर इज कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज जिंदगी सीरियस है, लाइफ इज सीरियस, देयर आर कॉन्सिक्वेंस, जजमेंट है. एंड व्हाट इज द जजमेंट? और वो जो जजमेंट उधर मिला है ना, आज तक है. Before eternity, this judgment is there till the eternity starts. समझ में आ रहा? जो सजा दिया है वो कब तक है? अनंत काल शुरू होने तक. यानी यीशु आकर कीमत देने के बाद भी वो जजमेंट में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आया. Even after Jesus dying on the cross, the judgment that he gave that day, it still holds. Main Yeshu par vishwas kiya, still I am growing old. Main Yeshu, I believe in Jesus, still I am growing old. Because that judgment stays now also. Samajh mein aaya? So next, even though the judgment is there, there is a provision for redemption. मनुष्य को उसने अपने हाल में छोड़ा नहीं है. ही हैज नॉट फॉरसेकन मैन. व्हाट डज ही से? द सीड ऑफ द वुमन विल कम. सो ये पहला युग से आपको परमेश्वर का कुछ समझ में आ रहा है. थ्रू दिस फर्स्ट डिस्पेंसेशन आर यू एबल टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ हु ही इज? ए लिटिल ग्लिम्स. परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है. गॉड इज रिवीलिंग हिमसेल्फ, इट्स नॉट मैन ट्राइंग टू फाइंड आउट गॉड. परमेश्वर इंसान को क्या कर रहा है? प्रकट करके दे रहा. और जब प्रकट कर दे रहा है, थोड़ी बहुत झलक समझ में आ रही है किरण सिस्टर जी? क्या समझ में आया? उसकी आदत, बेशक मैं तू मेरे साथ चलता है, सब कुछ मैंने दिया, तो भी तू बड़ा बोला है. हम भी ऐसे ही बोलते, हम बोलते जी माफ कर दो जी, मैं तो बिल्कुल सीधी सादी थी, मुझे मालूम ही नहीं था. ऐसे थोड़ी चलेगा काम. हम तो ऐसे बोलकर बच जाते हैं. हम थोड़ी टेढ़े थे, हम तो बड़े सीधे सादे हैं. आदम भी कैसा था? सीधा सादा ही था. मेनी टाइम वी ट्राई टू से एक्सक्यूजेस बाय सेइंग आई डिडंट डू इट विलिंगली, आई डिडंट नो इट. दैट्स व्हाट एडम आल्सो सेड, आई डिडंट नो दैट दिस वाज सो सीरियस. मैन यू हैव नो एक्सक्यूज. You were supposed to know this is serious. Because I had told you, the day you shall eat, you shall die. Jis din maine bola tha, jis din tu khayega, tu zarur marega. Now no excuse by saying, I didn't know it. Agar comparing ourselves with Adam, Adam ke saath compare karne se, Adam ke paas, ye 66 kitabon mein se hai na, सिर्फ इतना ही एक आयत था. He had to obey how much? This much. We, for us, it is this. फर्क समझ में आया? उसको कितनी आयतें थी? एक ही. जिस दिन तू खाएगा, और हमें we wish we were there when Adam was. How big was the Bible? Only this much. What was written on this? Nothing else.
The day thou shalt eat, thou shalt die. No Psalms, no Isaiah, no Gospels, no Epistles. But God initially gave man just one verse. Obey. But man chose. That's why. But still, look at the nature. Parmeshwar ka aadat ko dekho. Kya bolta? Stri ka santana aayega. Aap nikal lijiye. Utpati. And the sign kya hai? What is the sign? The coat of skin. Genesis chapter 3, verse 21. अभी इधर आप देखना, ये अज्ञानता के युग में इंसान को क्या क्या करना है. In the age of innocence, what all was man supposed to do? क्या क्या करना था? Number one, be fruitful and multiply. पढ़ लीजिए ना, Genesis chapter 1, verse 28. उत्पत्ति 1 का 28. परमेश्वर ने उन्हां नूं असीस दित्ती अते परमेश्वर ने उन्हां नूं आख्या के फलो अर बदो अर धरती नूं भर देओ. बस पहला काम क्या है? फलो और बदो. ये गिरने के बाद नहीं बोला. कब बोला? पहले बोला. पहला काम ये है. और पृथ्वी को क्या कर दो? भर दो. बी फ्रूटफुल and multiply and fill the earth. Number two, agla kya hai? Usi mein aage padhiye. Ate onu apne bas vich karo. Ate onu apne bas vich karo. Agla kaam kya karna? Prithvi ko. Everything I have made, I want you to subdue it. Isko apne vash mein karna. मेरी सब बातें तूने अपने वश में करना है. नंबर तीन. नंबर थ्री. अते समुद्र दिया मछियां ते और आकाश दिया पंछियां ते और सारे धरती पर घिसरण वाले जीवां ते राज करो. अते क्या करना? नंबर थ्री. एंड हैव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी, ओवर द फाउल ऑफ द एयर एंड ओवर एवरी लिविंग थिंग दैट मूवथ अपॉन द अर्थ. जस्ट ए सिंपल थिंग. आदम के साथ हवा ना है. Does he have dominion over Eve? Yes or no? Yes. आदम को हवा के ऊपर अधिकार दिया है? Yes or no? Yes. हाँ. Has God said, have dominion over your life partner? पहले नहीं. मैं कौन सा युग का बोल रहा हूँ? हाँ, अभी हम इनोसेंस में देख रहे हैं. पत्नी के ऊपर नहीं, बाकी किसके ऊपर? सभी चीज नहीं. इधर लिखा गया है मच्छी, पक्षी और सारे जीव जंतु. पृथ्वी को वश में करना, बाकी सब जानवरों को ऊपर क्या करना? हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू दिस? हाउ आर यू सपोज टू हैव डोमिनियन ओवर द एनिमल्स? Brother Floyd, can you have dominion over the animals? Sure. If we have to have dominion, we'll have to put the lion inside a cage. Yes. That's our dominion. Yeah. We'll have to make a zoo and put all these fellows inside cages. That's right. But Adam did not put them in cages. He could just talk. Can you imagine? God says, I want you to have dominion over these animals. You want me to have dominion? मैंने बनाया है और तूने इन पर क्या करना है? मछली पर, पक्षी पर, जानवर पर. Fish, birds, animals.
आई वॉन्ट यू टू डू इट. और हमें अभी देखो, हम अपने ऊपर ही राज्य नहीं कर पा रहे, जानवरों को छोड़ो. लुक एट अस, वी आर नॉट इवन एबल टू हैव डोमिनियन ओवर आवर सेल्व्स. फॉरगेट अबाउट द बर्ड्स, वी आर नॉट इवन एबल टू गवर्न आवर ओन लाइफ. वी कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स. सो अगला वर्स 29, 29वां वचन. अते परमेश्वर ने आख्या, देखो मैं तुहानू हर बी वाला साग पत्त जेड़ा सारी धरती दे उत्ते है ते हर वृक्ष जिहदे विच उसदा बी वाला फल है दे दित्ता. ए तुहाडे लई भोजन है. ए तुहाडे लई भोजन है. I have given you, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of tree yielding seed, to you it shall be for food. Given everything for him. He has to have dominion. You have to understand, is in shabdon ka gambhirta samajhna. Falvant ho jao, vash mein kar lo, aur इनके ऊपर राज्य करो. खाने के लिए सब कुछ दिया. बी फ्रूटफुल, सबड्यू, डोमिनियन, टेक केयर. नंबर 5, डोंट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल. उस जी भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से नहीं खाना. ये काम नहीं करना. इतना रेवलेशन है किसको? This is the responsibility given to whom? A man in the age of conscience. Look at us. Look at us. Hame usse kitna jyada hai. But still we are not even able to do what Adam was able to do. Simple reason, how was Adam able to do it? आदम ऐसे कर कैसे रहा था? द सीक्रेट ऑफ दैट वॉज परमेश्वर के साथ उसका क्या था? रिलेशनशिप था. एज लॉन्ग एज मैन वॉज वॉकिंग विद गॉड, एवरीथिंग वॉज फाइन. इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एडम्स एबिलिटीज. ये आदम के खूबियों के कारण नहीं है, ये सब आदम का परमेश्वर के साथ का संबंध के कारण था. चलिए, आदम ने क्या बोला? कैन यू रीड जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 10? उसने आख्या कि तेरी आवाज बाग विच सुन के मैं डर गया, क्यों जो मैं नंगा हां. बस हियर ही सेज, एंड ही सेड, आई हर्ड thy वॉइस इन द गार्डन एंड आई वॉज afraid. Because I was naked and I hid myself. I think पिछले बार की क्लास में मैंने बताया पाप ने कैसे इंसान को बिगाड़ा. But इधर एक अगला पहलू समझना है. आदम अपनी परिस्थिति को समझ रहा. Adam is realizing his state. What is he saying? मैं नंगा. समझ में आया? बेशक परमेश्वर के ऊपर दोष दे रहा है तो भी अपनी हालत को ये क्या कर रहा है? समझ गया. तूने दिया पत्नी बोल तो रहा है, लेकिन ये भी बोल रहा है मैं कौन हूं? नंगा. खाल का अंगरखा क्यों बनाकर दिया? क्योंकि समझ लिया मैं क्या हूं? नंगा हूं. Why is God making a coat of skin? Because Adam has come to a realization that I am naked. परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध कैसा है? गलतियां होती हैं तो भी मैंने अपनी गलतियों को क्या करना? मानना नहीं, एहसास होना. मानना बाद में. समझ में आया? I should realize I am not accepting the mistake. That's number 2. Number 1 is I should at least realize
that I have done a mistake. समझ में आ रहा? Realization है सबसे मुख्य बात. एहसास करना, पहचान में आना कि मैंने क्या किया है, गलती की है. Look at the state of mind of Adam. He is not accepting his mistake, but he is realizing that he is naked. You understand? ये मान लिया परमेश्वर क्या किया, खाल का अंगरखा पहना दिया. God is making the garment of a coat of skin because you realize that you are. If you don't realize you are naked, this coat of skin is of no use. You won't wear it. आप नंगे हैं, आपको एहसास है, इसलिए ना अंगरखा बनाकर देने से कोई फायदा है, आप पहनेगा. समझ में आया? अब नंगा बोलने वक्त अब ये मनुष्य बगीचे से निकलेगा. He was naked in the garden already. Is it true? उत्पत्ति 2:15 में क्या लिखा है? Genesis 2:25. दोनों नंगे सन. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. नंगे तो पहले भी थे, लेकिन क्या नहीं करते थे? शर्माते नहीं. अब क्या हो गया? शर्म आने लगी. पाप तो हो गया, पाप आ गया, गलती हो गई, पाप तो आ गया. He was already naked, but he was not ashamed. But now he realizes something. You know why? The security of that conscience has been breached. विवेक आपको जो तसल्ली देता था ना, वो टूट गया. आपको क्या एहसास हो रहा है? मैंने गलती किया. As long as you did not do wrong, you were comfortable. You had a peace. लेकिन जब आप गलती कर देते हैं ना, विवेक आपको क्या देने लगता है? दोष. So, इधर दो बातें समझना. एक तो शारीरिक तौर पर नंगा है, अंजीर का पत्ता सब कुछ बिगड़ गया, अब ठंड से तेरा शरीर टूटेगा. मौसम से बचाने के लिए परमेश्वर ने शारीरिक तौर पर क्या दिया है? अंगरखा दिया है. फ्रॉम द क्लाइमेट टू प्रोटेक्ट हिम गॉड हैज गिवन हिम द कोट ऑफ स्किन्स, नंबर वन. बट नंबर टू, ही इज मॉरली नेकेड. नैतिक तौर पर भी ये क्या है? नंगा है. ये अभी छुपेगा. और कब तक ये नंगा रहेगा? टिल द प्राइस इज पेड ऑन द क्रॉस. और क्रूस पर यीशु ने कीमत दे दिया तो भी हम सबको मालूम है हम पापी हैं, मालूम है ना? वी ऑल रियलाइज दैट वी आर सिनर्स. इवन दो वी हैव एक्सेप्टेड द लॉर्ड, वी नो ही हैज फॉरगिवन अस, बट स्टिल वी एक्सेप्ट वी आर नॉट वर्दी. दैट मिस्टेक is still there in our remembrance. I am a child of God, I am happy, everything, but when I come into the presence of God, my heads are bowed. Why are your heads bowed? You are a child of God. I am ashamed because I am not worthy. Samajh mein aaya aapko? You understand how serious the age of innocence, the consequences. God puts him the coat of skin. Parmeshwar insaan ke saath vacha bandh raha. God is making a covenant. The sign is the coat of skin. Parmeshwar insaan ke saath kya bandh raha? Vacha. See, you have to understand vacha kya hai. What is covenant? See, once आप परमेश्वर का वचन को जब सीखोगे ना, जितना सीखते जाओगे आपको है ना परमेश्वर का, आप उसको परमेश्वर की तरह देखने लगोगे.
The more you learn the word, the more you look at God as God. But the problem with us is we don't look at God as God. We look at Him as man. That's the reason we are worried. The moment you start looking at Him as God, all your worries are gone. I say, मैं बोलता तो हूँ मैं परमेश्वर पर विश्वास है, लेकिन मेरी हालत देखो मैं परेशान हूँ। तो जिस पर आपने विश्वास किया वो परमेश्वर है या बाबा है? I say I believe in God, but look at me, I am confused. I am worried. I don't know what to do. So the question comes, the person whom you have believed, is he God or is he a man? If he is God, then how come you are worried? You understand that realization? आज बहुत सारे विश्वासियों के साथ पंगा क्या है? उन लोग परमेश्वर को कैसे समझते हैं? निरीह वर्ग है। I am helpless, God is also helpless. I am confused, God is also confused. That's how we'll. That's why that's happening. We don't spend time trying to know Him. We are serving a God who has bound Himself with covenants. हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसने अपने आप को वाचा के अधीन बांधा है। परमेश्वर को वाचा बांधने की जरूरत है? अब आपको समझाने के लिए, इंडिया में अब जमीन खरीदते हो ना तो कोरे कागज में लिखकर साइन कर दोगे? कौन सा कागज होता है उस पर? क्यों? तो इसमें जो लिखा है उसमें भी तो वही लिखा है। कैसे अथॉरिटी? हाँ जी, ये 50 पैसे का आया, वो 50 रुपए का आता है। यू अंडरस्टैंड? इन इंडिया हियर ऑल्सो यू हैव यू व्हाट डू यू कॉल इट, डील्स, डीड। सो व्हेन यू साइन ए डीड, इज इट ऑन ए ब्लैंक पेपर लाइक दिस? व्हाई Can't you do it on this? You could, but it's all very fine print. No, I'm looking at the blank deed paper. You have some special papers? Yes. On which you write the deed? Or is it a blank paper, white paper? Special paper. There are some emblems or anything on that? Is it there? Security paper. Yeah, you call it the security paper, right? Yeah. So what's the difference between the security paper and this? You can't change it. You can't change it? Not without destroying it. Yeah. This you can? Yeah. You can forge it. I can write this and then I say, no, I'll cut it. Yeah. And I'll again write. But you can't do that on that paper. No. If you do it, why all those signs on that? You will be held accountable if you don't do according to what is written here. जमीन का कागज, उस आपने देखा है स्टैम्प पेपर 50 रुपए का आता है, उसमें वकील वो टिकट भी लगाता है और बोलता है 50 रुपए दो। 50 रुपए कोरा कागज है, 50 रुपए क्यों 50 पैसा दूंगा? ना, 50 रुपए कारण ये स्टैम्प पेपर है। कैन यू बिलीव, कैन यू एक्सेप्ट वन सिंपल थिंग, वी आर सर्विंग ए गॉड हु हैज बाउंड हिमसेल्फ इन कवेनेंट्स। इस परमेश्वर ने हमारे साथ क्या बांधा है? वाचा बांधा है। जस्ट स्टॉप एंड थिंक, स्त्री का संतान आएगा, सिर्फ बोला नहीं, अंगरखा भी पहनाया, अपने आप को आदम के साथ एक वाचा बांध रहा। तू अब नंगा है, मैं तेरे नंगेपन को हटाऊंगा, वाचा है। उसका निशानी क्या है? खाल का अंगरखा। यू आर नेकेड, यू आर मॉरली नेकेड, बट आई एम मेकिंग ए कवेनेंट दैट आई विल रिमूव योर नेकेडनेस। I am making a, it's not a promise, but it's a covenant. Covenant means, if I don't do it, then I am not God.
कैन यू अंडरस्टैंड, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर बदलता नहीं है, उसने अगर कुछ कहा है तो वो उसको कभी त्याग भी नहीं सकता. वॉट ए जॉय, वॉट ए प्रिविलेज कि हम लोग एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसने अपने आप को हमारे साथ क्या किया है, वाचा बांधा है. ही इज मेड ए कवेनेंट. प्रेज गॉड. इज ही वर्थी ऑफ वर्शिप? मैं जो 10 रुपए देता हूं ना, आई पुट सम $100 इन द ऑफरिंग बॉक्स, दैट्स नथिंग कंपेयर्ड टू हु यू आर. आई एम नॉट डूइंग यू अ फेवर. I want to put myself in the box. That's the reason we have committed our life into the hands of Him, because He has bound Himself in a covenant. He said, I said it, I will do it. And this book tells us that He has made covenants. And look at Him making a covenant with Adam. Adam ke saath kya bandh raha hai? बगीचे से निकाल रहा है. जस्ट अंडरस्टैंड, बगीचे से निकाल रहा है तो भी क्या बांध कर भेज रहा है? वाचा बांध कर भेज रहा है. ही इज ड्राइविंग मैन आउट, बट बिफोर सेंडिंग हिम आउट द कोट ऑफ स्किन इज देयर. दैट मीन्स आई एम बाइंडिंग ए कवेनेंट विथ यू. यू आर गोइंग आउट फॉर सम टाइम ओनली. यू हैव टू गो, बट इट्स फॉर लिटिल टाइम, बट आई विल ब्रिंग यू बैक. मैं तुझे क्या करूंगा, वापस लेकर आऊंगा. उससे आप जरा रुककर सोचिए, परमेश्वर का आदत, द कवेनेंट्स कितने, आदम के साथ, नूह के साथ, मोसेस के साथ. लुक एट दैट. उसके लिए जस्ट गिविंग यू व्हेन ही मेड अ कवेनेंट विथ एडम, इट्स अ कवेनेंट विथ एन इंडिविजुअल. एक व्यक्ति के साथ उसने वाचा बांधा. क्यों आदम के साथ वाचा बांध रहा? क्योंकि हम सब किधर हैं? वेयर आर वी? वी ऑल वेयर इन एडम. हम सब किसमें थे? आदम में थे. नंबर दो, नूह का जो वाचा है ना, वो एक व्यक्ति के साथ नहीं है, वो सब लोगों के साथ है. मैं जल प्रलय से लोगों को क्या नहीं करूंगा, खत्म नहीं करूंगा. नंबर तीन, अब्राहम के साथ का वाचा एक कुल के साथ है, एक देश के साथ है. जो वाचा अब्राहम, ही मेड ए कवेनेंट विथ एडम, दैट्स एन इंडिविजुअल कवेनेंट. व्हेन ही मेक्स ए कवेनेंट विथ नोआ, इट्स विथ मैन इन जनरल. व्हेन ही मेक्स दैट कवेनेंट विथ अब्राहम, इट्स ए कवेनेंट विथ ए नेशन. एंड व्हेन ही मेक्स ए कवेनेंट विथ डेविड, इट्स विद ए फैमिली. समझ में आया? परमेश्वर जब वाचा बांध रहा है, आदम, नूह, अब्राहम, दाऊद, ही व्हेन ही मेक्स द कवेनेंट, ही इज मेकिंग विद एडम, नोआ, अब्राहम, डेविड. व्हाई ऑल दीज कवेनेंट्स? सीड ऑफ द वुमेन. ये वाचे सब किसके लिए? स्त्री का संतान आना है. कौन? मसीह यीशु. सो जीसस क्राइस्ट इज द सम ऑफ एवरीथिंग दैट ही हैज सेड. समझ में आया? व्हेन यू लुक एट जीसस, यू आर नॉट लुकिंग एट अ इंडिविजुअल, यू आर लुकिंग एट द सम ऑफ ऑल दैट गॉड हैज सेड फ्रॉम डे वन. जब आप यीशु मसीह को देखते हैं, आप एक व्यक्ति को नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं? उत्पत्ति के पहले दिन से बोली हुई सब बातों की पुष्टि है, पूरा क्लोसिंग है. किसमें? यीशु मसीह में. इसलिए लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है. तो ये जो आपके सामने खड़ा है ना, ये कौन है? वचन है. जो कुछ बोला वो सब कुछ किधर है? इसमें. दैट्स व्हाई आपको यीशु और वचन में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता. That's why you don't find any contradiction between Jesus and the Word. He and the Word are the same. Vachan aur ye dono ek hai. Isliye Prabhu Yeshu ne bola, jo mujhe khayega,
और जो मुझे पिएगा। हम लोग सोचे तेरे को कैसे खाएंगे, जो मेरे मांस को खाता और मेरे लहू को। हम सोचे मीट खाना, मीट नहीं। He is referring to who he is, the one who eats me. I am the bread of life. So इधर हम लोग देखते हैं ना, परमेश्वर जो वाचा बांध रहा है, और अगर मैं ये वाचाओं को समझ लूं, if I just accept these covenants, मेरा जीवन बदल जाएगा। These covenants will transform my life. Can you just stop and think that small incident covering Adam with the coat of skin? He is giving such a deep message, taking upon himself the responsibility. Adam, you don't try to cover yourself. Your covering will not work. I will do it. You understand God's attachment? While Adam is blaming God, look at God covering his nakedness. जब आदम परमेश्वर को दोष दे रहा, परमेश्वर अपनी तरफ से क्या बोल रहा है, पहन ले, मेरी जिम्मेवारी है। आप बोलो परमेश्वर हमें कितना प्यार करता, कितना। You understand how much he loves? It's he who has made that covenant, that's why we are here. If it was just promises, we would have not been here. तो परमेश्वर बोल के रहा है, स्त्री का संतान आएगा। आया? आया? शैतान पूरा जोर मारा? He said the seed of the woman will come. Did he come? Look at the history. Satan tried his level best. Man tried his level best. That's history. Abraham went to Egypt. We'll study it later on. Abraham went to Egypt, became the brother-in-law, caught him, brought him back. Joseph, Potiphar's wife thought, he has come here, I can have a comfortable life. When he did not please Potiphar's wife, she kicked him into the prison. Joseph ke jeevan mein jab samasya aaya, usko kidhar dal diya, jail mein, parmeshwar nikal ke laya. Look at Abraham, look at Cain, killed Abel, the one who approached God by offering a sacrifice. Abel ne parmeshwar ka samne kaise gaya tha, bali lekar gaya tha. Cain ne qatl kar diya, परमेश्वर ने सेत दिया, जल प्रलय आ गया, इसराइल मिस्र में चला गया, क्या क्या नहीं हुआ, फिर भी ठीक टाइम पर कौन आ गया, स्त्री का संतान आ गया। सो परमेश्वर का इंसान के साथ का जो व्हेन यू स्टूड, अब जब आप ये युगों को सीखते हैं ना, आपने समझना है परमेश्वर इंसान के साथ बार बार क्या बांधता गया, वाचा बांधते गया कि मैंने बांधा है मैं करूंगा। उससे हमारे जीवन में क्या आ जाता है, एक तसल्ली, एक हौसला आ जाता है। सो नाउ यू अंडरस्टूड द एज ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस मैन, द डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंस क्लोजेस विद मैन्स डिपार्चर फ्रॉम द गार्डन। मनुष्य का बगीचे से निकालने के साथ क्या खत्म हो गया, अज्ञानता का युग खत्म। अब उसके साथ शुरू होता है द डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियस, विवेक का युग। इसका शुरू किधर से है, मनुष्य के गिरने से लेकर नूह के समय का जल प्रलय तक, फ्रॉम द फॉल ऑफ मैन till the flood. That's the age of conscience. Number two, पिछले वाले का शुरुआत कैसे था, restored earth. इसका शुरुआत कैसे, promise of
See, the next dispensation is starting. It's starting with a promise. What's the promise? Seed of the woman shall come. It's a good beginning. Insan gir gaya, phir bhi Parmeshwar agla yug ka shuruaat kaise kar raha hai? Vaade ke saath. Kaun sa vaada? Kaun aayega? Stri ka santan. Aise khali bheja nahi hai. कपड़ा पहनाया सिर्फ नहीं है, क्या भी दिया? वायदा भी दिया. कौन? स्त्री का संतान आएगा. अगला अगला इसमें अगला क्या? फेवरेबल बिगनिंग. इसके अंदर विवेक है. लुक एट द मोस्ट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. कॉन्शियंस इज देयर. ही हैज नॉट रिमूव द कॉन्शियंस. बेशक इंसान परमेश्वर का दुश्मन बन गया तो भी इसके अंदर से क्या नहीं निकाला? विवेक नहीं निकाला. So can you understand the dealings of God? Though you are not with me, I have kept that conscience inside you so that you don't turn away from the right path. Can you understand? Parmeshwar ka insaan ke saath ka vyavahar. Aise chod nahi diya. Usually hum log kya sochte hain? Wo phal kha liya tha to Parmeshwar ko gussa chad gaya. Maine bola tha nahi khana, isne kha liya to usko shaap shuk dekar kidhar nikal diya? बाहर निकाल दिए. और फिर कई लोग बोलते हैं ऐसा कैसा परमेश्वर है जो पेड़ में सेब की पेड़ में से एक सेब खाने के कारण शाप देता है? ऐसे भी कोई परमेश्वर होता है? ये सेब खाने की बात नहीं है. When you people say that what kind of a God is this? He kicks out man just because he ate a fruit from the tree? Now how can you accept him as a God of love who curses everything? Why they say that? Because they have not understood who he is. अब इधर हम देखिए, एज ऑफ इनोसेंस में, अज्ञानता का युग में क्या वो प्यार करता था? वॉज ही लव इन द एज ऑफ इनोसेंस? इज ही लव इन द एज ऑफ कॉन्शियंस? यस. प्रॉमिस है ना, वायदा है. नंबर दो अंदर क्या डाला है? विवेक डाला है कि मैं तू मेरे साथ नहीं चल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक चल लेना. Even though you are not walking with me, but I want you to walk properly. Why? Seed of the woman has to come. Number three, you can approach me. Place of worship means, now I won't come down to walk, but tu mere paas aa sakta. Kaise? Bali lekar aana. अब आदम परमेश्वर के नजदीक कैसे जाएगा? बलि. इवन दो सिन हैज कम इनसाइड यू, आई एम नॉट किकिंग यू आउट. यू कैन स्टिल अप्रोच मी थ्रू सैक्रिफाइस. आई एम नॉट क्लोजिंग ऑल डोर्स. मैं सारे दरवाजे बंद नहीं कर रहा. यू कैन स्टिल अप्रोच मी, बट द वे टू अप्रोच मी इज थ्रू द sacrifice. Adam said that I am naked, coat of skin. When you offer the sacrifice, you are saying I am a sinner. God will smell the fragrance. Adam, main nanga hu jab maan liya to kya pehna diya? Angrakha pehnaya. Ab jab bali lekar aata hai to Adam kya maan raha hai? Main kya hu? Papi hu. To mere sath sambandh kar sakta hai. लेकिन शर्त क्या है? रियलाइजेशन. पहले युग में भी क्या था? इन द फर्स्ट डिस्पेंसेशन ऑल्सो इट वॉज द रियलाइजेशन दैट आई एम नेकेड. इन द एज ऑफ कॉन्शियंस व्हेन यू आर ऑफरिंग द सैक्रिफाइस द प्रिंसिपल इज द सेम, रियलाइजेशन. विवेक के युग में भी वही सिद्धांत है. कौन सा सिद्धांत? मैं क्या हूं? पापी. उधर क्या माना? नंगा. इधर क्या मान रहा? पापी. कोई दिक्कत नहीं. नंबर आगे अच्छा करेगा तो क्या भी मिलेगा? प्रतिफल भी देगा. मनुष्य विवेक के अनुसार क्यों चल रहा था? Why was man walking according to conscience? He had a feeling, he had a knowledge. If I walk properly, he will bless. That's the reason in the age of conscience, Enoch, Abel, Noah, they all walked. Because
Others are not walking according to conscience, but the one who is walking according to conscience, he knows. He is the rewarder of those who walk according to the conscience. That's the reason they are not walking as the world walks. विवेक के युग में लोग विवेक की आवाज सुनकर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अंदर उनको एहसास है, अगर मैं विवेक की आवाज सुनकर चलूंगा ना, तो वो मुझे आशीष भी देगा। मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा। हानु का जीवन नो, ये विवेक के अनुसार क्यों चल रहे हैं? इनके अंदर क्या मालूम है? इनको सिर्फ क्या दिया हुआ है? विवेक। They know, उनको मालूम है, इसके अनुसार चलाएंगे तो he is the rewarder of those who obey the conscience. But what is the test? पिछले में टेस्ट क्या था? पेड़, शैतान। इधर क्या है? अभी कौन सा टेस्ट है? आपका विवेक। पहले युग में टेस्ट कौन सा था? In the first dispensation of innocence, the test was the tree of knowledge of good and evil. But in this dispensation, what is the test? Will you obey the voice of your conscience? So, abhi test badh raha hai. Purpose kya hai? What is the purpose? Will you obey? Okay, fine, you don't obey me. But will you obey the voice of your own conscience? Tu to meri baat to nahi manega. कम से कम अपने अंदर की आवाज तो मानेगा ना। समझ में आया परमेश्वर ने हमें बनाया कैसे? मेरी पत्नी जो बोलती मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, बच्चे जो बोलेंगे मैं नहीं मानूंगा, वो भी मंजूर है, लेकिन तेरे अंदर की आवाज तो मान। तो किसी और की आवाज नहीं मानेगा तो कम से कम यू आर नॉट गोइंग टू हियर व्हाट योर वाइफ सेज, नॉट गोइंग टू हियर व्हाट योर हस्बैंड सेज, बट एटलीस्ट कैन यू हियर व्हाट योर इन कॉन्शियस सेज? दैट्स द टेस्ट। Next, what is the mean? How is God going to test? Through the conscience. Agla, what happened? Adam, Cain and his descendants, sons of God, Seth's descendants, all men, they failed. Vivek hai to bhi insan kya nahi kar pa raha? Chal nahi pa raha. अंदर उसको बता रहा है ये गलत है, चल नहीं पा रहा। जजमेंट क्या है? व्हाट वाज़ द जजमेंट? द फ्लड। यू कांट वॉक अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियंस, डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। बट देन इवन व्हाइल डिस्ट्रॉइंग, गॉड हैज नॉट फॉरगॉटन हिज अर्लियर कवेनेंट, द रेनबो इज देयर। What was the need for him to make another covenant? He is comforting man. इंसान को तसल्ली दे रहा है। जल प्रलय से मैं सबको नाश कर दिया ना, लेकिन मैंने पिछले युग में क्या वायदा किया? स्त्री का संतान आएगा, इसलिए मनुष्य तू परेशान ना हो। वो वाचा है, उसके साथ एक और वाचा पकड़। वो कौन सा वाचा है? उसका चिन्ह कौन सा है? मेघ धनुष। आज तक हमसे क्या कर रही है? बात कर रही है। The sign is praying. और फिर the provision, वो परमेश्वर के सजा से बचने के लिए provision क्या है? वो जहाज। There was an ark, that's the provision. Even though I am going to destroy everyone, but Noah, you and your family, I'm going to preserve. Why? क्यों बचाने जा रहा है? मैंने वाचा बांधा। I made a covenant, and I have made man. With a purpose. इसलिए आप ये तीनों को, इन चीजों को कनेक्ट करने होगा। उत्पत्ति 1:26 में बोलता है ना, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। उसमें बहुत गहराई। तो अभी हम लोग इधर समाप्त करेंगे, सो दैट यू, वी आर गोइंग टू स्टॉप नाउ, सो दैट यू कैन टेक सम टाइम टू लुक बैक। इज ही वर्थी ऑफ वर्शिप? One who has made covenants, and these are the, this book says he has bound himself with covenants. That's why I am so sure. इसलिए मैं इतना आनंदित हूँ
मैं कितना खुश हूं, बड़े मजे से चलता हूं। उसने वाचा बांधा, स्टैम्प पेपर, कोरे कागज में नहीं लिखा, किसमें? He has not written it on blank paper, he has written it on security paper. And if he doesn't fulfill what he has said, then we have every right to say, you are not God. Is it true? But has he given us opportunity to say he is not God? Time and again, you will change, but I will not change. That's why we read that verse, you are witnesses. Tum mere kya ho? Gawah ho. Isliye hum apne jeevan ko khud dekh lein. Wafadar hai? Ye sare vachaon ka sum, wo Prabhu Bhoj ka pyala hai. The sum of all these covenants is the Holy Communion cup and the bread. So baad mein hum log, we'll go into that later on. The sum of all these covenants, the new covenant is the bread and the wine. That's why it's so dangerous. Judge yourself before you take from it. He said it, has he done it? Now it's up to us to be responsible. Usne bola, usne kiya. सारे वाचाओं का समरी कौन सा है? एक नया वाचा कौन सा है? प्रभु भोज का प्याला और वो रोटी। इसलिए वो उतना गंभीर है। Can we pray? आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। Let's go ahead. We are looking at a God. Our creator, हम अपने परमेश्वर को देख रहे हैं जिसने अपने आप को वाचा में बांधा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। हम मुंह खोलकर परमेश्वर से बातें करें। विवेक का युग है, इंसान खुद चल रहा लेकिन अंदर विवेक डाला है। हालेलुया, कितना मनन करेंगे तो भी कितना गहरा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। व्हाई एम आई वरीड, व्हाई एम आई कंसर्न्ड? थैंक यू लॉर्ड। मैं क्यों परेशान हूं? बेशक नौकरी चले जाए, बीमारी आ जाए, नौकरी मिले ना मिले, जो कुछ फायदे किए सब बर्बाद हो जाए, लाभ की सब बातों को मैं हानि समझता हूं, मसीह के प्रेम से मैनू कौन अड्ड करेगा? मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा? He loves me so much. Hallelujah. इसलिए एक विश्वासी का जीवन वचन के ऊपर बेस्ड है, वचन के ऊपर आधारित है। Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हमारे प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। प्रभु, इस वचन की गहराइयों को समझने के लिए तो हमें सहायता कर। वचन की इन गहरी बातों को प्रभु आप खोल कर हमें दे, ताकि तेरे और करीब आ सके प्रभु। ज्ञान और समझ हमें एक एक को दे प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं।